हेलो भाई, स्वागत है आपका ज्ञानम साधनम के एक और वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग किसने दी थी? क्रिश्चियन ग्राम साहब ने दी थी। कब दी थी? 1884 में दी थी। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या हैं ग्राम स्टेनिंग? सबसे पहले हम बैक्टीरियल स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। बैक्टीरियल स्मेयर कैसे प्रिपेयर होता है? उसमें हम एक स्लाइड लेते हैं, उस स्लाइड पे एक बैक्टीरिया रखते हैं उठाकर, और उसे ड्राई कर देते हैं एक वाटर ड्रॉप डाल के, जिससे वो स्लाइड से चिपक जाए। एयर ड्राई करते हैं, उसके बाद जिससे एक्स्ट्रा पानी सारा सूख जाए, उसके बाद उसे स्टेन कर देते हैं। किससे? क्रिस्टल वॉलेट से। ये एक हमारी डाई होती है। कितनी देर के लिए वॉलेट करते हैं? 30 सेकंड के लिए। इस डाई से कलर करने के बाद बैक्टीरिया कौन से कलर का हो जाता है? ब्लूइश पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, स्टेन करने के बाद बैक्टीरिया को हम वॉश कर देते हैं, वॉश विद वाटर, और उसके बाद हम आयोडीन स्टेनिंग करते हैं। आयोडीन क्या काम करता है? मोर्डेंट की तरह काम करता है। मोर्डेंट का मतलब ये जो हमने स्टेनिंग करी है उसे और अच्छे से पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, कितने परसेंट सॉल्यूशन होना चाहिए? 0.5% सॉल्यूशन होना चाहिए। कितनी देर के लिए? 1 मिनट के लिए हम स्टेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम आयोडीन से स्टेन कर देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वॉलेट कॉम्प्लेक्स, यानी क्रिस्टल वॉलेट टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद हम उसे ट्रीट कर देते हैं किससे? एल्कोहल से। एल्कोहल भी कितना? 70%, यानी कि 70% एल्कोहल और 30% वाटर। ठीक है, दो तरीके के बैक्टीरिया बनते हैं इसके बाद। पहला बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया रिटेन द स्टेन, जो स्टेन को रिटेन कर लेते हैं यानी स्टेन पकड़ लेते हैं, वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव, यानी कैसे दिखेंगे? ब्लू टाइप में। और जो स्टेन छोड़ देते हैं वो क्या, उनका क्या होता है? उन्हें हम दोबारा काउंटर स्टेन करते हैं सेफ्रोनिन से, और उनके कौन सा कलर आता है सेफ्रोनिन के बाद? पिंक कलर अपीयर होता है, जो क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? जब हम उसे एल्कोहल से ट्रीट करते हैं। एल्कोहल से ट्रीट करने का मतलब है एल्कोहल से वॉश करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के बारे में। चलिए तो पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल के बारे में। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। एक बहुत ही रफ सा डायग्राम है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं ये टिकोइक एसिड की लेयर, ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, ये इनके बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस। किस किस के बीच में? पेप्टाइडोग्लाइकन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें इंटीग्रल प्रोटीन का काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर ले जाने में मदद करते हैं। चलिए तो पढ़ लेते हैं एक एक को डिफाइन में। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के? सबसे पहला है सेल वॉल। किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। हम पढ़ चुके हैं बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसमें दो सब यूनिट होती है, नेम और नेग, जो किससे ज्वाइन होती है? बीटा वन फोर लिंकेज से ज्वाइन होती है। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है? एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये क्या है? कंसंट्रेटेड जेल लाइक मैट्रिक्स है बिटवीन द इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जेल लाइक मैट्रिक्स है, थोड़ा कंसंट्रेटेड पार्ट है। कहां पर? इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन के बीच में। जो साइटोप्लाज्म और आउटर मेम्ब्रेन है उसके बीच का पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये क्या करता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाता है, फ्लूइड नेचर देता है। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इनर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, और क्या कंसिस्ट करती है? कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो क्या करती है? सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती है। किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। चौथा पॉइंट आता है हमारा टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड क्या है? पॉलीमर है ग्लिसरॉल और रिबिटॉल का, जो किससे ज्वाइन होता है? फॉस्फेट ग्रुप से ज्वाइन होता है। ठीक है, इट इज कोवेलेंटली कनेक्टेड टू पेप्टाइडोग्लाइकन और टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। ये कोवेलेंटली किससे कनेक्ट होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स से। ठीक है, टिकोइक एसिड के फंक्शंस क्या है? ये क्या करता है? एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल एनवेलप का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, और सेल को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस से। जो नुकसानदायक सब्सटेंस है उसको सेल को बचाता है। उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन की। ये क्या है? एम्बेडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हम देख चुके हैं ऊपर भी। और ये क्या करते हैं? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करने में मदद कर देते हैं। अब हम ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के बारे में पढ़ सकते हैं, तो हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को भी देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट रिटेन्स ब्लू कलर ऑफ ग्राम स्टेन इवन आफ्टर वॉशिंग विद एल्कोहल। जब हम अल्कोहल से वॉश कर देते हैं तब ये ब्लू कलर रिटेन रखता है, मतलब कि ब्लू कलर इससे जाता नहीं है। मैंने आपको बताया था यही डिटरमाइनिंग स्टेप है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है? 150 से 200 एंगस्ट्रॉम थिक। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10^-10। ठीक है, नॉट कवर्ड बाय लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर, लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर से कवर नहीं होता है। मोर रिजिड ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत ज्यादा होता है इसलिए रिजिड होती है। म्यूरामिक एसिड कितने परसेंटेज होता है? 70 से 95% होता है। लिपिड कंटेंट कितना होता है? लो होता है, कितना? 2 से 4%। फॉस्फोलिपिड एब्सेंट होता है। टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। फीवर अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं।
और इसमें क्या होता है, डापा यानी डायमाइलोपाइमेलिक एसिड एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि एबसेंट होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। किसमें पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। डापा की जगह क्या प्रेजेंट होता है, एल लाइसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मोस्ट सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से नुकसान पहुंच जाता है इन्हें। आगे बात करते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू एल्कलाई एंड इनसॉल्युबल इन 1% केयर सॉल्यूशन। एल्कलाई से रेजिस्ट रहते हैं यानी कि एल्कलाई अगर इनके पास आस भी आ जाए छूरे ने तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, 1% केयर सॉल्यूशन में। 1% केयर सॉल्यूशन अगर हमने बना रखा और उसमें बैक्टीरिया को डाल दिया, कौन सा बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो उसमें सॉल्युबल नहीं होता है। नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं यानी कि कैप्सुलेटेड पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है ज्यादातर, कुछ रेयर केस में कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल क्या है, प्रोटेक्टिव पार्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। प्रोटोप्लास्ट किससे बनता है, रिएक्शन विद लाइसोजाइम, लाइसोजाइम रिएक्शन करते हैं इससे प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। मीजोजोम्स आर कॉमन, मीजोजोम्स कॉमनली पाए जाते हैं। पिल्लाई यूजली एब्सेंट, पिल्लाई एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिलेशन लेस कॉमन, फ्लैजिला बहुत कम पाया जाता है, सॉरी फ्लैजिला जनरली कम पाया जाता है। बेसल बॉडी फ्लैजिला हैज टू रिंग्स, बेसल बॉडी में फ्लैजिला में दो रिंग्स होते हैं। फ्लैजिला स्ट्रक्चर होती है वो मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप नाम याद कर लीजिए कि फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में दो रिंग होती है। किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, उन रिंग का नाम एस और एम रिंग। कुछ पैथोजेनिक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, लिकोनोस्ट्रोक और स्टेफिलोकोकस एटसेट्रा। आगे देखते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बारे में। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, उसी सेल वॉल में मैं आपको डायग्राम में समझा दे रहा हूँ कैसी होती है। देखो ये आपका डायग्राम है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे यहाँ पर एक आउटर लेयर होती है। ठीक है, आउटर लेयर और इसके पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बीच में भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, यानी कि इसमें दो जगह पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और यहाँ पर टिकोइक एसिड नहीं होता ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय पेरिप्लाज्मिक स्पेस, अभी बताया। आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल आउटर फॉस्फोलिपिड बायलेयर विद एंटीजन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल आउटर फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है विद एंटीजन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। किसके साथ, एंटीजन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर हेल्प टू इवेट फेगोसाइटोसिस। जो हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है उस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है तो क्या करता है, फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी को घटाता है। किसकी, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इट अगेंस्ट फ्रॉम सम एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से भी प्रोटेक्शन देता है। उसमें नहीं मिल पाती थी एंटीबायोटिक्स से प्रोटेक्शन, किसमें, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। इट कंटेन्स हाइड्रोफोबिक लिपोपोलीसेक्राइड एंड लिपोप्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक शब्द से समझिए, फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि ये लिपोपोलीसेक्राइड, सॉरी हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डरता है, लिपोपोलीसेक्राइड एंड लिपोप्रोटीन इसके अंदर भरा होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट, कोर शुगर, लिपिड है, ओ एंटीजन। ठीक है, इनके बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद रखिए। दूसरा कॉम्पोनेंट हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन, इट कंसिस्ट ऑफ नेग एंड नेम जॉइंट टुगेदर बाय बीटा वन फोर लिंकेज। नेग और नेम होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन में आप जानते हैं, और किससे जुड़े होते हैं, बीटा वन फोर लिंकेज से। केमिकली ओनली 10-20% ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। केवल 10-20% पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। किसमें सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल कैसी होगी, कमजोर होगी। प्रोवाइड शेप, रिजिड स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन टू ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। शेप प्रोवाइड करवाती है, रिजिड स्ट्रक्चर देती है और प्रोटेक्शन देती है किसे, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को। ठीक है, आगे बात करते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन के बारे में। इट इज सेमी परमिएबल एंड इम्परमिएबल टू मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये सेमी परमिएबल होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल भी होता है, जैसे कि लिपिड वगैरह के लिए। परमिएबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। परमिएबिलिटी किसकी वजह से आती है, प्रोटीन्स के बारे में आती वजह से आती है, जिन्हें हम पोरिंस भी कहते हैं, वो प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करते हैं अंदर से बाहर, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोरिंस कहते हैं। दैट फॉर्म चैनल्स, चैनल्स बनाते हैं रास्ता। पोरिंस आर नॉन स्पेसिफिक, कैसे होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स का अलाउ करते हैं, और एक्ट एज रिसेप्टर साइट्स फॉर बैक्टीरियोफेजेस एंड बैक्टीरियोसिंस। जो बैक्टीरियोफेजेस या बैक्टीरियोसिंस होते हैं वो इसी साइट पे आके चिपकते हैं। अब हमने ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बारे में जान लिया, आइए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट गेट्स स्टेन ब्लू विद ग्राम स्टेनिंग इनिशियली बट लूजेस इट आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल। मैंने बताया था डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, अल्कोहल से वॉश करेंगे। अगर स्टेन रख लिया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्टेन नहीं रखता तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम इसमें, काउंटर स्टेनिंग करते हैं। काउंटर स्टेनिंग कैसे करती है, सेफ्रिनिनसिस काउंटर स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, कैसा कलर आ जाता है, पिंकिश टाइप कलर आ जाता है। सेल वॉल की बात करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, 75 से 120 एंगस्ट्रॉम थिक होती है।
कवर्ड बाय लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर से कवर होती है, और ये कैसी होती है, डबल लेयर होती है, उसमें कैसी होती है, सिंगल लेयर, मैंने दोनों कंपैरिजन बताया चलूंगा। लेस रिजिड होती है, उसमें मोर रिजिड होती है, लो परसेंटेज ऑफ पेप्टाइड ओगोलैकन, उसमें हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइड ओगोलैकन, यहाँ कितना परसेंट है पेप्टाइड ओगोलैकन का, 3 से 12%। म्यूरामिक एसिड कंटेंट लो होता है 5 से 20%, इसमें लिपिड कंटेंट हाई होता है 20 से 30%, इसका सब उल्टा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। फॉस्फोलिपिड लेयर प्रेजेंट इन द सेल वॉल, उसमें एब्सेंट, टिकोइक एसिड एब्सेंट, उसमें प्रेजेंट, ठीक है। डापा प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ एलिसिन, डापा क्या है, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहां पे एब्सेंट होता है, ठीक है। नॉट सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से सेंसिटिव नहीं होता है। सेंसिटिव टू एल्कलाई, एल्कलाई सेंसिटिव होता है और सोल्यूबल हो जाता है किसमें, 1% क्यूर सॉल्यूशन में, उसका उल्टा चल रहा है सब कुछ। मोस्टली कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड पाए जाते हैं ज्यादातर। स्फेरोब्लास्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन विद लाइसोजाइम, स्फेरोब्लास्ट का फॉर्मेशन किससे होता है, लाइसोजाइम की रिएक्शन से। मीजोसोम्स आर रेयर, पिलाई वेरी कॉमन, पिलाई कॉमनली पाया जाता है। फ्लैजिलेशन वेरी कॉमन, फ्लैजिला बहुत कॉमनली मिल जाता है। फोर रिंग्स, चार रिंग का होता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है इसमें फ्लैजिला की, उसमें इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होती है। फोर रिंग्स का नाम क्या है, लप्सम, LPSM, ठीक है। और मोर फॉर्म्स आर पैथोजेनिक एंड मेनी मे प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन, ज्यादा फॉर्म्स कैसी होती है, पैथोजेनिक होती है और क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल क्या है, इकोलाई, सेल्मोनेला, एसोबैक्टर और विब्रियो, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो ग्राम स्टेनिंग के ऊपर, आगे जुड़े रहिए और वीडियो के साथ। और ये है हमारा टेलीग्राम लिंक @ज्ञानम साधनम, उस पर जाकर हमारे नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही कंसाइज मैटर, आपको पढ़ने में आसानी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।